नमस्कार साथियों, ट्रक जंक्शन के हमारे इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जिस गाड़ी का रिव्यू कर रहे हैं वो गाड़ी है अशोक लीलैंड की हॉलेज गाड़ी बॉस एलएक्स 1215 HB। वैसे तो ये गाड़ी कंपनी ने पहले भी लॉन्च की हुई है, लेकिन अभी हाल ही में कंपनी ने इसे थोड़ा मॉडिफाई करके, इसके लुक को थोड़ा सा चेंज करके और इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स देकर के दोबारा मार्केट में लॉन्च किया है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो क्या चेंजेस हैं कंपनी ने जो इसमें किए हैं, जिससे ये गाड़ी अब और ज्यादा अट्रैक्टिव हो गई है। इस गाड़ी का रिव्यू हम शुरू करें उससे पहले हम किसी को थैंक्स कहना चाहते हैं, और वो है अलवर राजस्थान में अशोक लीलैंड की डीलरशिप VST ऑटो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। क्यों? क्योंकि इसी कंपनी ने आज हमें ये गाड़ी प्रोवाइड की है इस वीडियो को बनाने के लिए। सो थैंक यू सो मच VST ऑटो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो चलिए शुरू करते हैं इस गाड़ी का रिव्यू। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले गाड़ी के फ्रंट लुक से। तो जैसा कि मैंने बताया, कंपनी ने इसे बिल्कुल थोड़ा सा मॉडिफाई करके अभी दोबारा मार्केट में लॉन्च किया है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला जो चेंज है वो इसके लुक में ही किया गया है। आप बाहर से अगर इसकी शेप देखेंगे, इस कैबिन की शेप देखेंगे, तो ये पूरी राउंड है, सेमी राउंड कह सकते हैं आप इसको। पहले वाले जो ट्रक थे उनका जो फ्रंट लुक था वो काफी फ्लैट था, पर इन्हें कंपनी ने थोड़ा सा अब राउंड शेप में कर दिया है, जिससे ये गाड़ी जो है ना दूर से दिखने में बड़ी अट्रैक्टिव लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई लग्जरी ट्रक इस वक्त यहाँ खड़ा हुआ है। कलर कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो अगेन वही गोल्डन ब्राउन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन इसमें दिया गया है। सेंटर में कंपनी ने अपनी पूरी की पूरी ब्रांडिंग की हुई है अशोक लीलैंड का, आप लोगो देख सकते हैं यहाँ नीचे साइड में दिया गया है। उसके अलावा अगर हम इसके बम्पर की बात करें तो बड़ा ही मजबूत बम्पर है, पर इसमें क्या नया बदलाव किया है कंपनी ने, इस बम्पर को थोड़ा सा इस कैबिन से एक्सटेंशन दिया है, इसे थोड़ा सा बाहर निकाला है। उसके अलावा यहाँ इस बम्पर में आपको एक फुट स्टेप मिल जाता है ऊपर चढ़ने के लिए। गाड़ी को और सेफ्टी प्रदान करने के लिए एक एडिशनल बम्पर भी यहाँ नीचे दिया गया है, जो कि लोहे का है और काफी चौड़ा है और मजबूत है। इस बम्पर का सबसे बड़ा फायदा होता है कि कोई भी ऑब्स्टिकल अगर सामने आ जाए, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो आए दिन सड़कों पर ट्रकों के नीचे आ जाते हैं, तो वो नीचे तक न जा पाए, उसके लिए ये बम्पर बहुत ही मददगार साबित होता है। इस बम्पर पर यहाँ एक 3M की व्हाइट रेडियम पट्टी भी दी गई है। अगर हम इस बम्पर की बात करें तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर एक स्लॉट बना हुआ है, और इस स्लॉट में अंदर की तरफ वाटर टैंक दिया गया है छोटा सा। ये टैंक क्या काम आता है, इसमें जो पानी है वो सीधा मिलता है वाइपर्स को, इस विंड स्क्रीन को क्लीन करने के लिए। वाइपर्स की अगर बात करें तो उसमें भी एक बड़ा बदलाव किया गया है। जनरली जो पानी होता है उसके लिए यहाँ एक नोजल होती है जिसके थ्रू पानी आता है और वाइपर से वो क्लीन होता है, लेकिन यहाँ पर बदलाव ये किया गया है कि जो पानी है वो नोजल से नहीं बल्कि इन वाइपर्स की जो ये ब्लेड हैं उनके अंदर से ही पानी आता है, जिससे कि पानी पूरे तरीके से विंडस्क्रीन पर चला जाता है और वाइपर से उसे क्लीन कर दिया जाता है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ साइड में आपको ब्लाइंड स्पॉट मिरर दिया गया है। अमूमन दूसरी गाड़ियों के अंदर ये जो मिरर दिया जाता है ये सेंटर में दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर कैबिन के लेफ्ट हैंड साइड में इसको दिया गया है। उसके अलावा अगर आप इस कैबिन पर ऊपर चढ़ना चाहते हैं तो आपको यहाँ कोई हैंडल नजर नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ स्लॉट दिया गया है, आप अंदर अपना हाथ प्लेस करके इस फुट स्टेप से ऊपर चढ़ सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप ऊपर देखेंगे तो वहां पर आपको दोनों साइड ही टर्निंग इंडिकेटर्स भी दिखेंगे। उसके अलावा यहाँ इस ऊपर वाले बड़े बम्पर में भी आपको रिफ्लेक्टर्स नजर आ जाएंगे। गाड़ी की अगर लाइट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं जो फ्रंट लाइट दी गई है उनका लुक जो है वो थोड़ा कैट आई लुक जैसा है। हैलोजन लाइट बल्ब दिए गए हैं, काफी बड़ी शेप के हैं, और इंडिकेटर लाइट्स भी जो दी गई हैं वो काफी बड़ी साइज की दी गई हैं। चलिए अब आते हैं इसके साइड वाले लुक पर। लेफ्ट हैंड साइड दरवाजे पर कंपनी ने ब्रांडिंग की हुई है इस मॉडल की बॉस एलएक्स, और ड्राइवर साइड के दरवाजे पर आपको इसका मॉडल नंबर मिल जाएगा 1215 HB। तो आप देख सकते हैं जो दरवाजा है उसका भी जो डिजाइन है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। ऐसा लगता है जैसे आप किसी लग्जरी गाड़ी के अंदर एंटर होने वाले हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ जो ये दरवाजा है वहां पर भी आपको एक ब्लाइंड स्पॉट मिरर मिल जाता है। उसके अलावा दो ORVM मिरर आपको इस साइड मिलते हैं और दो ही आपको राइट हैंड साइड पर भी मिलते हैं। टर्निंग इंडिकेटर्स को अगर आप देखेंगे तो इनकी शेप भी थोड़ी बड़ी की गई है, राउंड शेप में है, ऑरेंज कलर के दोनों साइड ही आपको मिलते हैं। दरवाजे को खोलने के लिए मोस्टली जो आप गाड़ियां देखेंगे उनमें आपको ये हैंडल ऊपर मिलता है, लेकिन इसमें यहाँ ये नीचे दिया गया है, इजी टू ओपन एंड इजी टू क्लोज। दोनों साइड ही चढ़ने के लिए आपको दो फुट स्टेप भी मिल जाते हैं, आप आराम से इन दोनों फुट स्टेप की मदद से कैबिन में एंटर हो सकते हैं। ये जो गाड़ी है ये 6 टायर में आती है, और टायर के साइज की अगर आप बात करें तो इसका जो साइज है वो 8/25 R20 का है। अगर हम इसके फ्रंट एक्सल की बात करें तो गाड़ी का जो फ्रंट एक्सल है वो फोर्ज्ड आई सेक्शन रिवर्स एलियट टाइप का है, और सस्पेंशन की अगर बात करें तो फ्रंट सस्पेंशन पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग विद ARB शॉक अब्जॉर्बर्स है। कैबिन जो दिया गया है ये कैबिन भी आप इसे टिल डाउन और टिल्ट अप कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर ये मैकेनिज्म दिया गया है
हाइड्रोलिक सिस्टम है ये, आप इसकी मदद से अपने इस कैबिन को टिल्ट डाउन या टिल्ट अप कर सकते हैं। कैसे करना है इस सब की जानकारी आपको यहाँ ये स्पीकर दिया गया है, इस पर दी गई है विद डायग्राम्स, यानी कि क्या ध्यान रखना है किन चीजों का, वो आपको यहाँ पर इन स्टिकर से समझ में आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन के बारे में। गाड़ी में जो इंजन दिया गया है वो एच सीरीज कॉमन रेल सिस्टम है, जो कि आई जनरेशन 6 टेक्नोलॉजी के साथ आता है। अगर इंजन की पावर की बात करें तो 150 हॉर्स पावर का ये इंजन है और इस गाड़ी का जो मैक्सिमम टॉर्क वो 450 न्यूटन मीटर का है। अगर हम गाड़ी की टर्निंग रेडियस की बात करें तो 13,570 mm का टर्निंग रेडियस आपको इस गाड़ी में मिल जाता है। गाड़ी की अगर पेलोड की बात करें तो पेलोड जो कैपेसिटी है वो 7,710 किलोग्राम की है और इस गाड़ी का जो ग्रॉस व्हीकल वेट है वो 11,990 किलोग्राम है और इस वेट का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वो फ्रंट एक्सल पर 3,990 किलोग्राम है और रियर एक्सल पर 8,000 किलोग्राम का किया गया है। गाड़ी का इंजन 4 सिलेंडर के साथ आता है। यहाँ कैबिन में पीछे आप देख सकते हैं कि कूलेंट लगा हुआ है और अगर हम बैटरी की बात करें तो 12 वोल्ट की बैटरी इसमें दी गई है और आप देख सकते हैं कि यहाँ इस लोड बॉडी के साथ भी एक एक्सटेंडेड नीचे तक एक ग्रिल लगाई गई है जो कि बैटरी सिलेंडर्स और बाकी सब चीजों को एक सेफ्टी प्रदान करती है। इस गाड़ी का जो रियर एक्सल है वो फुल्ली फ्लोटिंग सिंगल स्पीड रियर एक्सल है और रियर सस्पेंशन की बात करें तो वो सेमी इलेक्ट्रिक टाइप का रियर सस्पेंशन दिया गया है। गाड़ी के अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो आपको 260 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और इसका जो व्हील बेस है वो 5200 mm का है। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पीछे एक एक्स्ट्रा टायर दिया गया है और अगर हम बैक साइड में आते हैं तो इसका जो बैक लुक है वो भी काफी अट्रैक्टिव है। सेंटर में लोड बॉडी के इस दरवाजे पर कंपनी ने अपनी ब्रांडिंग की हुई है। गाड़ी की अगर लोड बॉडी के साइज की बात करें तो इस गाड़ी की जो लोड बॉडी है उसकी लंबाई 22 फीट है और चौड़ाई करीब 7.5 फीट की दी गई है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये जो डाला यहाँ पर है, अगर ये दरवाजा खुला हुआ हो तो इसमें ऊपर चढ़ने के लिए भी यहाँ हैंडल दिया गया है, आप इस हैंडल की मदद से ऊपर चढ़ सकते हैं और जब आप सामान लोड कर लेते हैं उसके बाद जब इस लोड बॉडी के इस दरवाजे को बंद करना हो तो ये हैंडल दिया गया है, इस हैंडल से आप इजीली इसे ऊपर चढ़ाकर इस हैंडल की मदद से लॉक कर सकते हैं। अगर हम बाकी के फीचर्स की बात करें जो कि गाड़ी में बैक साइड में दिए गए हैं तो सबसे पहली चीज़ जो नज़र आती है वो है ये LED लैंप्स, दोनों साइड में ही LED लैंप दिए गए हैं वाइट और रेड कॉम्बिनेशन के साथ। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं रिवर्स पार्किंग सेंसर भी दिए गए हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये रिवर्स पार्किंग सेंसर्स हैं, जब आप गाड़ी को बैक कर रहे होते हैं तो बड़े ही काम आते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं इस डाले पर 3M की रेडियम पट्टी दी गई है, सेंटर में आप देख सकते हैं अशोक लेलैंड की ब्रांडिंग की गई है। उसके अलावा यहाँ नीचे चेसिस बॉडी पर भी हिंदुजा ग्रुप ने अपनी ब्रांडिंग की हुई है, एक एडिशनल छोटा बम्पर भी यहाँ बैक में दिया गया है। आप देखेंगे तो यहाँ ऊपर जो ये ग्रिल लगी हुई है उस ग्रिल पर भी दोनों साइड ही टर्निंग इंडिकेटर्स दिए गए हैं जो कि ज्यादातर आपको बैक साइड में किसी भी गाड़ी में नजर नहीं आते। चलिए अब चलते हैं दूसरी तरफ। गाड़ी के राइट हैंड साइड में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर डीजल टैंक, यूरिया टैंक और इन सब की सेफ्टी के लिए एक एडिशनल ग्रिल यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। अगर डीजल टैंक की कैपेसिटी की बात करें तो करीबन 210 लीटर फ्यूल की कैपेसिटी है इस डीजल टैंक की। उसके अलावा जो यूरिया टैंक है वो 24 लीटर का दिया गया है और यहाँ ड्राइवर सीट के बिल्कुल पीछे आप एयर फिल्टर देख सकते हैं, यहाँ पर ये एयर फिल्टर्स दिए गए हैं। तो ये थे इस गाड़ी के मेन फीचर्स। चलिए अब बात करते हैं इस गाड़ी के कैबिन के बारे में, अंदर कैसा ये कैबिन है, क्या फीचर्स दिए गए हैं उसकी जानकारी अब हम आपको देंगे। गाड़ी का जो कैबिन दिया गया है वो डे टाइप का कैबिन है और अगर हम सबसे पहले इसके स्पेस की बात करें तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा हेड स्पेस दिया गया है, काफ़ी अच्छा आपको लेगरूम मिल रहा है और इस गाड़ी की जो सीटिंग कैपेसिटी है वो D+2 टाइप की है, मतलब एक ड्राइवर सीट और दो को पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर ये सीट दी गई है। सीट की अगर हम बात करें तो ये एडजस्टेबल सीट है, आप इसे स्लाइड कर सकते हैं आगे और पीछे। उसके अलावा जो आप इसकी बैक है इसको भी टिल्ट डाउन और टिल्ट अप कर सकते हैं और गाड़ी की जो सीट है वो काफ़ी आरामदायक है। कुशन आप देख सकते हैं कि काफ़ी सॉफ्ट दिए गए हैं। स्टीयरिंग की बात करें तो पावर स्टीयरिंग दिया गया है, काफ़ी बड़ा इसका व्हील है, सेंटर में आप देख सकते हैं छोटा सा कंपनी ने अपना लोगो लगाया हुआ है, ब्रांडिंग के लिए भी कह सकते हैं आप इसको। उसके अलावा दोनों तरफ लीवर दिए गए हैं, टर्निंग इंडिकेटर्स के लिए भी यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं, वाइपर के लिए भी यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, लाइट्स के भी कंट्रोल आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड के लीवर में देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा जो ये स्टेयरिंग है ये टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों फैसिलिटी के साथ आता है, मतलब यहाँ जो ये लीवर दिया गया है इसकी मदद से आप इसको नीचे ऊपर जहाँ भी आप चाहें वहाँ कर सकते हैं और इसको आप ऊपर उठा भी सकते हैं इस तरीके से।
तो जहां भी आपको चलाते वक्त कंफर्टेबल फील हो, आप इसे वहां पर फिक्स करके इस लीवर को लॉक कर दें, ये स्टीयरिंग वहीं पर ही फिक्स हो जाएगा। क्लस्टर की बात करें तो डिजिटल क्लस्टर यहाँ पर आपको दिया गया है। स्पीड एवरेज, गाड़ी क्या एवरेज दे रही है वो भी आप यहाँ पर इस मीटर में देख सकते हैं, कितने किलोमीटर चल चुकी है, बैटरी की कंडीशन क्या है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर इस क्लस्टर में देखने को मिल जाती है। अगर राइट साइड के बटन्स की बात करें तो जो रेड बटन है ये पार्किंग बटन दिया गया है, और जो ऑरेंज बटन है ये रीजनरेशन को ऑफ करने के लिए है, और रीजनरेशन को ऑन करने के लिए यहाँ लेफ्ट साइड में ये ग्रीन बटन दिया गया है। यहाँ पर आप ये रेड बटन देख रहे हैं जो कि SOS के लिए है, कहीं आप फंस जाते हैं, कुछ हो जाते हैं तो आप सूचना देना चाहते हैं तो आप इस बटन की मदद से वो सूचना भेज सकते हैं। अगर हम गियर बॉक्स की बात करें तो जो गियर दिए गए हैं वो 6 गियर फॉरवर्ड दिए गए हैं और 1 गियर रिवर्स के लिए दिया गया है। इस गाड़ी का जो हैंड ब्रेक है वो ज़्यादातर गाड़ियों में आपको यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर देखने को मिलता है या इस तरफ देखने को मिलता है, लेकिन इस गाड़ी में हैंड ब्रेक जो है वो राइट हैंड साइड में सीट के बिल्कुल बगल में यहाँ नीचे दिया गया है। गाड़ी के अगर दरवाजों की तरफ ध्यान दें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दरवाजों को खोलने और बंद करने के लिए जो हैंडल दिए गए हैं, आप इनकी मदद से आप इन्हें बंद कर सकते हैं। यहाँ लीवर दिया गया है। जो विंडो है उसमें दो पार्टीशन है, एक विंडो है जिसे आप मैन्युअली ऊपर और नीचे कर सकते हैं, उसके अलावा वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर एक और विंडो दी गई है, आप इसकी मदद से इसे बंद और खोल सकते हैं आराम से, इजीली। हैंडल्स यहाँ साइड में जो हैंडल दिए गए हैं ये कैबिन में नीचे से ऊपर चढ़ने के लिए दिए गए हैं, आप देख सकते हैं दोनों साइड में ही ये हैंडल मौजूद हैं, इस दरवाजे पर भी और को पैसेंजर के साइड वाले दरवाजे पर भी। अगर हम कैबिन के बाकी फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला जो ध्यान जाता है ना वो आप इस डैशबोर्ड को देखिए, बड़ा ही अट्रैक्टिव डैशबोर्ड है, ऐसा लग रहा है जैसे इस वक्त आप किसी कार के अंदर बैठे हुए हैं। राउंड शेप में दिया गया है, यहाँ पर फैन के कंट्रोलिंग्स दिए गए हैं, और इसके जो वेंट हैं उनमें एक बहुत खास बात है, 4 ब्लोअर वेंट दिए गए हैं, 2 उस साइड और 2 सेंटर में। सेंटर के जो ब्लोवर्स हैं आप इनको अपने अकॉर्डिंग फिक्स कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, जहां आपको हवा चाहिए वहां पर। ग्लव बॉक्स की अगर हम बात करें तो ग्लव बॉक्स जो है वो बिल्कुल सेंटर में दिया गया है यहाँ पर। इस ग्लव बॉक्स में आप अपने डॉक्यूमेंट्स, जरूरी की चीज़ें वो सब आप यहाँ रख सकते हैं, और वहाँ जो साइड में वो स्लॉट दिया गया है वहाँ पर भी आप कुछ पेपर्स रख सकते हैं। उस स्लॉट के नीचे इस गाड़ी के फ्यूज और वायरिंग दी गई है, तो जरा ध्यान रखें। उसके अलावा कैबिन की अगर लाइट की बात करें तो देखिए यहाँ जो ये कैबिन लाइट दी गई है ना, ये 3 लाइट दी गई है, आपको जितनी ज़रूरत हो आप उतनी ऑन कर सकते हैं, जितने की ज़रूरत है। एक चाहते हैं तो 1 लाइट ऑन रहेगी, 2 चाहते हैं तो 2। सनवाइजर्स की अगर बात करें तो केवल 1 सनवाइजर इस गाड़ी में दिया गया है ड्राइवर के लिए। उसके अलावा बाकी और कैबिन्स की तरह इस कैबिन में भी आपको यहाँ पीछे स्लाइडिंग विंडो मिल जाती है, आप इस विंडो को स्लाइड करके पीछे लोड बॉडी पर भी नज़र रख सकते हैं, और ये कैबिन में हवा के क्रॉस वेंटिलेशन का भी काम करती है। अगर हम वाटर बॉटल की बात करें तो यहाँ पीछे एक स्लॉट दिया गया है जिसमें आप अपनी पानी की बॉटल रख सकते हैं। यहाँ पीछे फायर एक्सटिंग्विशर दिया गया है ड्राइवर की सीट के पीछे। कुल मिलाकर के अगर हम ओवरऑल इस केबिन की बात करें तो स्टैंडर्ड केबिन है, बट काफी कंफर्टेबल है, काफी इसमें स्पेस है, लेगरूम काफी अच्छा है, हेड स्पेस काफी अच्छा दिया गया है, और सीट जो दी गई है वो काफी चौड़ी दी गई है। स्पेशली अगर आप को पैसेंजर सीट को देखेंगे ना तो काफी चौड़ी है, आप इस पर आराम से लेट सकते हैं। बहुत लंबा आपने गाड़ी चलाया है, थोड़ी देर के लिए साइड में रुक कर इस पर लेट कर छोटी सी नींद भी ले सकते हैं। यहाँ नीचे मोबाइल चार्जिंग स्लॉट दिया गया है, आराम से आप अपना मोबाइल यहाँ चार्ज कर सकते हैं। जब आप गाड़ी चलाते हैं तो बोर ना हो उसके लिए आपको थोड़े एंटरटेनमेंट की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए इस गाड़ी में जो म्यूज़िक सिस्टम है वो यहाँ नीचे ना देकर यहाँ ऊपर दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर ये म्यूज़िक सिस्टम लगाया गया है, और जो स्पीकर्स हैं वो यहाँ दोनों दरवाज़ों पर आपको मिल जाते हैं। गाड़ी के अगर ब्रेक्स की बात करें तो इसके जो ब्रेक्स हैं वो फुल एयर ड्यूअल लाइन ब्रेक्स हैं, और क्लच जो है वो 330 डायमीटर सिंगल प्लेट ड्राई टाइप की दी गई है। उसके अलावा जो पार्किंग ब्रेक्स होते हैं वो पीछे के दोनों टायर्स पर दिए गए हैं। तो दोस्तों ये था अशोक लेलैंड का बॉस LX 1215 HB हॉलिस ट्रक। तो कैसा लगा आपको ये ट्रक प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा। इसका जो ये लुक है, जो डिजाइन में बदलाव किया गया है और जो नए फीचर्स दिए गए हैं उनकी जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। उसके अलावा इस तरह के तमाम ट्रक्स की जानकारी अगर आप पाना चाहते हैं तो वो जानकारी आपको मिलेगी हमारी वेबसाइट पर, आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है कि आप हमारी मोबाइल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके बाद जिस भी ट्रक के बारे में आप जानकारी पाना चाहें आपको छुट्टियों में हमारी वेबसाइट और हमारी ऐप पर आसानी से मिल जाएगी। तो फिर देर किस बात की है, तुरंत डाउनलोड कीजिए हमारी ऐप या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट पर।
हम ऐसी ही जानकारी और आपके लिए लाते रहें, उसके लिए थोड़ी सी हौसला अफजाई की ज़रूरत है। और वो कैसे होगी? वो होगी जब आप हमारे वीडियोस को लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे वीडियोस को और लोगों तक शेयर करेंगे। तो प्लीज़ ऐसा कीजिए, हम जल्द ही ऐसी ही एक और गाड़ी का रिव्यू लेकर के वापस आएंगे। धन्यवाद।